अगर गाइस आप नेक्स्ट सीजन कौन करो पुश करने वाले हो तो मेरे दोस्तों एकदम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है जिससे आप नेक्स्ट सीजन अपना कौन करो इजी लगा सकते हो। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो हे गाइस, वेलकम टू कॉन्कर टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस। होप करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। तो गाइस आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाली है। और गाइस अगर आपने मेरी लास्ट टू वीडियोस नहीं देखी है चैनल के तो गाइस वो भी देख लेना, वो भी आपको नेक्स्ट सीजन कॉन्कर पुश करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। और गाइस मैं सीजन के एंड तक डेली टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस डालने वाला हूँ सोलो कॉन्कर, डुओ कॉन्कर और स्क्वाड कॉन्कर के ऊपर। गाइस आपको सारी वीडियोस देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा देना है और बेल आइकन को ऑल पे कर देना है ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको पता चले। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, अपने 20K की फैमिली ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो गाइस एक प्यार से सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक वाला बटन भी दबा देना। तो गाइस कई सारे दोस्त क्या करते हैं सीजन के स्टार्टिंग में जब रैंक पुश करते हैं तो वो स्टार्टिंग तो लो टियर से ही होती है सभी की। तो गाइस दोस्त अपने क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से रश खेलने लग जाते हैं। तो गाइस रश खेलने में उनका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि गाइस देखो रश खेलने में आप एक दो मैच में प्लस निकाल लोगे थोड़े बहुत किल्स करके, लेकिन अगर एक मैच में माइनस लगा तो आपकी वो दो तीन मैच वाली जो मेहनत होती है वो खराब चली जाती है। तो गाइस ऐसे करके टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग से ही सेफ खेलना है, समझ रहे हो ना। स्टार्टिंग से ही चाहे आप गोल्ड से स्टार्ट कर रहे हो चाहे प्लेटिनम से स्टार्ट कर रहे हो, आपको स्टार्टिंग से ही सेफ खेलना है और ट्राई करना है कि आपका हर मैच टॉप 10 जाए। आप अगर हर मैच टॉप 10 कर लेते हो ना आपको टॉप 10 के बाद भी एक अच्छा खासा प्लस देखने को मिल जाता है, और टॉप 10 होते होते तो किल्स अपने आप निकल जाती है थर्ड पार्टी से, या फिर बंदे रश वगैरह करते हैं या फिर आप किसी को थर्ड पार्टी से किल करते हो स्प्रे वगैरह कार स्प्रे, मतलब कि अगर आपका मैच एंड तक जाता है तो आपके किल्स वगैरह हो ही जाते हैं। और अगर किल्स वगैरह नहीं भी होते तो गाइज आपको टॉप 10 में तो इजी अच्छा खासा प्लस देखने को मिल ही जाता है। तो गाइज मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग से ही आपको सेफ खेलना है, रश वगैरह किल्स वगैरह के चक्कर में नहीं भागना है। अगर आप सोलो में पुश कर रहे हो तो आपको ना रैंक ज्यादा मैटर करती है, किल्स वगैरह इतने मैटर्स नहीं करते, आपको रैंक अच्छी निकालनी है। आप रैंक अच्छी निकालोगे ना आपको प्लस वैसे ही मिल जानी। और गाइस अपने काफी सारे दोस्त ये भी पूछे थे कि कॉन्कर करना कौन से वीक में सबसे ज्यादा इजी रहता है, सीजन के स्टार्टिंग में या मिड ऑफ सीजन या एंड ऑफ सीजन। तो गाइस मैं जितनी बार भी कॉन्कर करे तो गाइस सबसे ज्यादा इजी तो सीजन के स्टार्टिंग में ही होता है कॉन्कर करना, क्योंकि गाइस आपको सीजन के स्टार्टिंग में 3 से 4 दिन के अंदर एस लगाना होता है सोलो में। अगर आप सोलो में सीजन के स्टार्टिंग में 4 दिन के अंदर एस लगा लेते हो तो आपको एस पर ही कॉन्करर मिल जाता है। और गाइज आप एस पर तो आपको पता ही है कि क्राउन वगैरह पर चैलेंज पॉइंट्स मतलब रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड्स रहते हैं जिससे आपका माइनस नहीं लगता। अदरवाइज अगर एस के ऊपर करना है तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट गाइज अगर इजी कॉन्कर लगना है तो सीजन के स्टार्टिंग में जो 4 दिन होते हैं ना, जैसे कि अभी जो नया सीजन आएगा 19 को आएगा, तो गाइज 19, 20, 21, 22, तो गाइस 22 अगर आप एस लगा देते हो तो आपको 23 की मॉर्निंग को आपको कॉन्करर मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। लेकिन गाइस मेरे को पता है कि काफी सारे बंदे जो स्कूल स्टूडेंट्स भी रहते हैं, कॉलेज वाले भी रहते हैं, और काफी सारे बंदे तो जॉब वाले भी होते होंगे जो कॉन्कर पुश करते हैं, तो सबके पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि वो सीजन के स्टार्टिंग में एस लगा पाए, क्योंकि सीजन के स्टार्टिंग में काफी टाइम देना पड़ता है एस लगाने के लिए। और गाइज जिनके पास भी टाइम कम रहता है और गाइज अगर वो नेक्स्ट सीजन कौन का पुश करें तो गाइज डुओ और स्क्वाड में तो मत ही करना, क्योंकि इनमें रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है। तो गाइज आप चेस तो नहीं कर पाओगे, अगर आप डेली के 3 से 4 घंटे खेल पाते हो तो गाइज आप सोलो में पुश करना, सोलो की रैंकिंग बहुत ज़्यादा स्लो रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बट बाकियों से स्लो रहती है, ठीक है। और सोलो में आपको प्लस वगैरह भी इजी मिल जाता है, और गाइज आपके पास टाइम कम रहता है तो कभी कभार आपका ऐसा होगा ना, आप जैसे कि अपने टीममेट्स का वेट करोगे तो टीममेट्स कभी कभार प्रॉपर नहीं आ पाते, कोई ना कोई बंदा छूट ही जाता है। लेकिन गाइज सोलो में आपके पास आपका जो भी टाइम रहता है, जिस भी टाइम आप फ्री रहते हो उसी टाइम खेलकर आप प्लस निकाल सकते हो। और गाइज आपको जितने भी मैच खेल लेना, ट्राई करना है हर एक मैच टॉप 10 लेकर जाना है, रश किल्स के पीछे नहीं भागना है। सोलो में आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको रैंक ज्यादा मैटर करती है, तो आप गाइस आप जितने ही मैच खेलते हो आपको हर मैच ना आपको अपनी रैंक देखनी है, आपको हर मैच टॉप 10 लेकर जाना है,
और गाइस मैं आपको अप्रॉक्स बता देता हूँ कि कौन कौन से वीक्स में कौन कौन से स्टार्स मतलब कि पॉइंट्स पर कौन कर मिलता है। अगर गाइस आप सेकंड वीक में कौन कर लेना चाहते हो तो आपको 3 से 4 स्टार मतलब कि 4500 से 4600 पॉइंट्स के आसपास लगाने पड़ेंगे अगर आप सेकंड वीक में कौन कर लेना चाहते हो। अगर गाइज आप थर्ड वीक में कौन कर लेना चाहते हो तो गाइज आपको 5 to 6 स्टार मतलब कि 4700 से 4800 पॉइंट्स के आसपास लगाने पड़ेंगे। और गाइज फोर्थ वीक तक आते आते रैंकिंग जो है वो 5000 पॉइंट्स तक चली जाती है। और गाइज फोर्थ वीक के बाद रैंकिंग जो है और भी ज्यादा बहुत स्लो हो जाती है क्योंकि सभी बंदों का ऑलमोस्ट कॉन्कर हो जाता है तो सभी ऑलमोस्ट कॉन्कर मतलब पुश करना छोड़ देते हैं तो उसके बाद और भी ज्यादा रैंकिंग स्लो हो जाती है। तो गाइज मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपना जो कॉन्कर है ना 5th या 6th वीक तक लगा लेना क्योंकि इसके बाद काफी ज्यादा नूब लॉबी आना शुरू हो जाती है। उसमें ऐसा रहता है कि आपको प्लस कम मिलता है और माइनस ज्यादा लगता है। तो गाइज आप जितना जल्दी अपना कॉन्कर हो सके उतना जल्दी आपको ईजी रहेगा लास्ट 5th या 6th वीक तक। ऐसी बात नहीं है लास्ट के 7-8 वीक में कॉन्कर नहीं लगता। अगर आपके 200-300 पॉइंट्स रहते हैं कॉन्कर के लिए तो बात अलग है, आप लगा लोगे। अगर आप एस पर ही हो और आप 7-8 वीक तक पहुंच चुके हैं तो गाइस वहां पर आपको काफी दिक्कत होगी प्लस निकालने में। और कमेंट बॉक्स में काफी सारे दोस्त पूछ भी रहे थे कि सोलो एफपीपी कैसा रहेगा कॉन्कर पुश करने के लिए। गाइस सोलो एफपीपी भी एक बेटर ऑप्शन है अगर गाइस आप सीजन के स्टार्टिंग में कर रहे हो। गाइस जैसे जैसे मतलब वीक्स अप होते हैं ना सोलो में एफपीपी में मैचिंग ही नहीं मिलती क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा कम बंदे खेलते हैं। तो गाइस सोलो एफपीपी में ना मैचिंग की बहुत दिक्कत होती है। अगर आपके किसी फ्रेंड ने कराओ तो उसे एक बार से पूछ कर देखना, 4-4, 5-5 मिनट लग जाते हैं एक मैच लगने में। और उसमें अगर आपको हैकर मिल गया तो आपका अलग टोचन, आप मतलब इतना ज्यादा दिमाग खराब होता है ना एफपीपी में सोलो में क्योंकि वहां पे गाइस एक तो बंदे बहुत कम होते हैं और एक तो मैचिंग 4-5 मिनट में, और अगर गलती से हैकर के साथ मैचिंग हो गई तो गाइस टाइम वेस्ट। तो एफपीपी तो रहने देना, टीपीपी में ही करना। अब गाइस कई सारे दोस्त अपने सोच रहे होंगे कि हमने तो आज से पहले कभी सोलो खेला ही नहीं है, हम पुश कैसे करेंगे और कौन का कैसे करेंगे, मतलब कि ड्रॉप लोकेशन, जोन रोटेशन वगैरह, स्टार्टिंग से एंड तक कैसे खेलना है। तो गाइस उसके ऊपर आपको दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, मैं सब चीज बता दूंगा अपने आने वाली वीडियोस में और लास्ट 2 वीडियोस में भी मैंने बताया हुआ है। और आने वाली वीडियोस में जोन रोटेशन, हाई प्लस मतलब कैसे लेना है सब कुछ मैं अपनी वीडियोस में अपडेट देता रहता हूँ। और अपने कई सारे दोस्त पूछे थे कि अपन जो है जोन के बाहर जो खेलते हैं, जो हीलिंग्स करते हैं, उनके हमें प्लस पॉइंट्स मिलते हैं एक्स्ट्रा या फिर नहीं मिलते। गाइस उनके प्लस पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप जोन के बाहर खेलते हो। एक तो आपको हैकर से भी सेफ रहते हो और आप बिल्कुल सेफ रहते हो, लेजिट बंदे से भी सेफ रहते हो अगर आपको फाइट नहीं करनी। और गाइस आप उसका एक प्लस पॉइंट भी होता है कि आपको थोड़े से एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट्स भी मिलते हैं एक्स्ट्रा हीलिंग्स के। अगर आप जोन के बाहर रहते हो, सर्वाइव करते हो जोन के बाहर, तो वहां पर आप हीलिंग्स वगैरह यूज करते हो ना, हेल्थ किट, बैंडेजेस, जो भी आप यूज करते हो, तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं। और गाइस उसका एडवांटेज भी होता है कि आपको जो है सेफ रहते हो हैकर्स अगर लॉबी में, अगर आप लेजिट बंदे से भी सेफ रहना चाहते हो तो गाइस वो भी आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है जोन के बाहर खेलने का। तो गाइस जैसा कि आपको बताया, अगर किसी चीज का एडवांटेज होता है तो उसका थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज भी होता है। अगर गाइस आप डेड जोन के बाद, जब भी जितना भी आप जोन के बाहर खेल रहे हो, हीलिंग्स वगैरह कर रहे हो, उसके बाद अगर आप जोन में आते हो तो वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि आपको जोन में कोई अच्छी सी पोजीशन नहीं मिलती। जोन के अंदर कोई घर वगैरह पर जाओगे तो वहां पर आपको ऑलरेडी बंदा मिलेगा, आपको उससे फाइट निकालनी पड़ेगी। अगर गाइज अगर आप जोन के बाहर खेल रहे हो तो आप जोन के एज खेल सकते हो उसके बाद पेड़ पत्थर का कवर लेकर, बट गाइज जोन के सेंटर पे कोई अच्छी खासी पोजीशन निकालना, वहां पर तो गाइज आपको फाइट लेनी पड़ेगी अगर आपको वो पोजीशन चाहिए तो, क्योंकि लास्ट के जोन तक वो पोजीशन तो खाली रहना नामुमकिन है। तो गाइज आप समझ ही सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और गाइज मिलता है ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।